और त्योहारी सीजन में यात्रा कर रहे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जब यात्री निजी बसों की छतों पर बैठकर के यात्रा करने को मजबूर हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह की तस्वीरें सामने आई। सोहना की ये तस्वीरें हैं जहाँ से बड़ी संख्या में लोग और जो प्रवासी अपने अपने घरों को जाते हुए दिखाई दिए दिवाली के मौके पर, और इसीलिए इनको इस तरह से यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ा है क्योंकि वाहनों की कमी पड़ गई। और वहीं निजी वाहन चालकों पर दोगुना किराया वसूलने का भी आरोप लग रहा है। और दूसरी तरफ बस स्टैंड इंचार्ज का यह कहना है कि यात्रा को आसान बनाने के लिए उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो उनके बयान के बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक की पूरी सुविधा दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा बसेज कहाँ कहाँ के लिए लगाई गई हैं और कितनी लगाई गई? ज्यादातर लगाई गई है मथुरा के लिए, आगरा के लिए और अलीगढ़ के लिए। कितनी बस अलीगढ़ रूट पे चल रही है फिलहाल? वैसा तो टाइम हमारे 10-12 हैं, लेकिन आज कम से कम 25-30 गाड़ियाँ भेजी गई हैं जी एक्स्ट्रा। तो क्या सभी गाड़ियाँ भर के जा रही हैं? सभी गाड़ियाँ भर के जा रही हैं। अगर इसके बाद हम बात करें प्राइवेट बसों की, तो कितनी प्राइवेट बसेज यहाँ पे हैं, कितने पास परमिट और कितनी चल रही हैं? प्राइवेट तो जितनी परमिट है वही चल रही है, एक्स्ट्रा तो कोई नहीं है। परमिट बगैर परमिट की गाड़ियाँ सुविधा पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ नहीं बस स्टैंड में, और पब्लिक के लिए सुविधा पूरी दी जा रही है। जिस तरीके से देखे प्राइवेट बसों के ऊपर छतों पे लोग चढ़े हुए हैं, सारे यात्री बैठने के लिए वो जगह तो नहीं है। एक्स्ट्रा बैठाते हैं, प्राइवेट वाले तो छतों पर बैठा भर लेते हैं, उनको छत है, हमारी बसों पर छत नहीं है, इसलिए हम ऊपर।